देखिए WWE के वीडियोस फेसबुक पे डाल के आप बहुत अच्छी रकम उठा सकते हो। पूरा वीडियो देखिए, आपको कैसे एडिट करना है, पैसे कैसे कमाना है। WWE वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रैफिक है और इससे ही हमें पैसे बनाने हैं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और बहुत बहुत स्वागत है और एक अच्छे वीडियो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो है WWE फेसबुक पेज पे कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको एडिट करना है और क्या टाइटल रखना है। टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप WWE का जो मेन चैनल है वहाँ से टाइटल उठा के यहाँ पे डालते हो, वीडियो वहाँ से उठा के डालते हो, कोई एडिटिंग नहीं करते, तो कॉपीराइट का मसला आपको 102% आ सकता है। इसीलिए आज का वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो और बहुत तगड़े पैसे देता है फेसबुक, अगर आपका वर्क अच्छा होगा तो प्रोफेशनलिज्म आपके वर्क में झलकना चाहिए। तो वही आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे WWE के वीडियोस, बड़े वीडियोस लेके उसको छोटा कैसे करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है। जैसे कि YT स्टूडियो यूट्यूब के लिहाज से होता है, तो वैसे ही क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक के लिहाज से भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप से कैसे काम करना है, डायरेक्ट आपको फेसबुक के ऐप से कैसे अपलोड करते आता है। देखिए अभी यहां पे थोड़ा सा माइंड गेम खेलना भी काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुतांश लोग कर रहे हैं तो हम भी वही करें, तो हम हमारा भी माइंड यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं 100% आप वही करो, वो करना जरूरी है, लेकिन आप अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हो कि सर ने ये बोला तो मैं ये कर सकता हूं। यानी आपका जो वीडियो है वो वीडियो में आपका प्रेजेंस दिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपके तरफ से भी आइडिया लगाना ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखिए, हर दिन अपडेट रहना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, यानी सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। तो क्योंकि लाखों लोग हैं भाई सोशल मीडिया पर, लाखों जो आप आइडिया सोचते हो फिर आप अगर ढूंढते हो तो वही टाइम पर वो आइडिया लाखों लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो कितना फास्ट ये आप सोच सकते हो। इसीलिए बोला कि थोड़ा नया तरीके से आप अपलोड करना सीखिए, थोड़ा सा क्रिएटिव आपको होना होगा। अब आपको देखिए, जैसे कि मैच का मैंने बोला कि अभी मैच शुरू है, ठीक है, 350 पे 4 विकेट है, तो मैच जैसे एंड होता है 4:30-5 बजे, तो वो हॉटस्टार से वीडियो लेके आपका कुछ एडिटिंग करके लाइव दिखा दो, व्यूज आ जाएंगे। सेम थिंग गोज टू WWE। जैसी बड़ा टूर्नामेंट रहता है, जैसे कि रेसलमेनिया हो गया, रॉयल रंबल हो गया, अभी तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, जैसे ही वो शो अपलोड होगा तो आपने वो डाउनलोड करना है और अपना काम शुरू करना है। तो चलिए ज़्यादा देर आपका न लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, सब मोबाइल से करके दिखाऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एडिटिंग सेक्शन में एडिट करना है और कैसे आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके फेसबुक अकाउंट में आना है, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेजेस पे जाना है। अगर आपके पेज नहीं हो तो कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पेज कैसे बनाना है। पेजेस पे आप जाओगे, अगर आपके पेजेस होंगे तो यहाँ पे शो होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। ऊपर क्रिएट पे क्लिक करके आपको पेज यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका अकाउंट जो होगा वो आपने पेज में कन्वर्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर आपको ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एक यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने आपके रीच वगैरह, फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन है और यहाँ पे पे आउट है। तो पे आउट काफ़ी ईजी है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डाला और आपको पेपाल अकाउंट बना लेना है। पेपाल अकाउंट काफ़ी इजी है बनाना, तो बैंक अकाउंट, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड, इस झंझट से आपको बचना है तो डायरेक्ट पेपाल आईडी डाल देना, दैट्स इट। तो ये पैसे आने का जरिया है फेसबुक के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मेरा मेन अकाउंट पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4.9 यहाँ पे फॉलोअर्स है और नीचे यहाँ पे देखिए वीडियोज़ हैं, जो मैंने पूरे वीडियोज़ डाले वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने खुद के मेरे कुछ अलग क्रिकेट के बारे में यहाँ पे ऐसा डालते रहता हूँ मेरे मेन अकाउंट पे, जो कि मैंने पेज में कन्वर्ट किया, और पेज तो आपको मैंने बता ही दिए। अगर देखिए आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पेज क्रिएट किया तो ये पेज आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको कोई वीडियो डालना है तो यहाँ पे जैसे आप मेन अकाउंट पे करते हो सेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। और अभी हमें यहाँ पे WWE डालना है, ठीक है, तो कहाँ से लेना है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया WWE रॉक वर्सेस ट्रिपल एच। मैं छोटा था तो इनके मैचेस बहुत देखता था मैं, रॉक वर्सेस ट्रिपल एच, रॉक वर्सेस अंडरटेकर, और ये मज़ा ही अलग था जब रॉक का माहौल चारों तरफ था और ट्रिपल एच भी विलन के रूप से, जब मैं छोटा था तो वहाँ पे ट्रिपल एच का माहौल था। तो ये मैचेस भी इस पे 20-30 मिलियन व्यूज है एक महीने में, ठीक है। तो आप अभी आपने ये जो यहाँ पे इनका टाइटल है वो टाइटल बिल्कुल भी नहीं डालना, जैसे कि देखिए फुल लेंथ मैच स्मैकडाउन ट्रिपल एच वर्सेस, नहीं ऐसा नहीं डालना आपने, और टाइटल आपको इंग्लिश में ही डालना है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे आप कौन से भी इससे एडिट कर सकते हो, मैं पावर डायरेक्टर का यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये मेन बात है कि आपको करना क्या है। मैंने यहाँ पे मैच लिया है दोस्तों ट्रिपल एच वर्सेज रॉक की। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने 16:9 और ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे आना डाउनलोड पे, आपके जो वीडियो है वो यहाँ पे ला लेना, ठीक है। ये वाला वीडियो था रॉक का। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो स्टार्टिंग है जो WWE ग्लोबल टूर वगैरह, ये सब आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं यहाँ पे इनका जो भी इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, यहाँ से ये लाइट्स वगैरह चमकते थे, एंट्री ये भी आप थोड़ा सा निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रिपल एच रॉक और ब्रॉक लेसनर की मैच है। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। ध्यान में रखना कि मैं क्या क्या कट कर रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्ट मैं ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे एंट्री लिया, अभी ट्रिपल एच का भी रहेगा, रॉक का भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी एंट्री है स्किप करना है, ध्यान में रखना स्किप करना है। ये ट्रिपल एच के एंट्री भी मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ तक स्किप कर दिया, ठीक है। लास्ट में अपनी रॉक भैया की है, तो रॉक की थोड़ी सी ज़्यादा दिखा सकते हो आप, क्योंकि रॉक बहुत फेमस है, एंट्री से लेके तो सब फेमस है रॉक का। तो अभी नए नए जो है वो भी डाल सकते हो आप, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। ये यहाँ पे अभी मेन बात, ये जो यहाँ पे W है WWE का, तो ये भाई आपको बिल्कुल भी छुपाना है, ध्यान में रखिएगा। आपने एक आपका चैनल का लोगो बना देना है और वही हर वीडियो में डालना है आपको, हर वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये लोगो है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लोगो, यानी मैंने एग्जाम्पल दिया। तो आपका लोगो चाहिए, जैसे मूवीज़ एंड एंटरटेनमेंट है, उसका एक लोगो बनाऊंगा मैं कैनवास से फ्री में, तो ये आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक ये लोगो आना चाहिए, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। अभी क्या करना है आपने, जिनकी मैच है वो यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, ये लिखना ही है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। फेसबुक पे काम कर रहे हो तो ये मैंडेटरी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं फॉन्ट वगैरह इसका अच्छा ले लेता हूँ, फॉन्ट मैं थोड़ा सा विजिबल यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और इसको छोटा करता हूँ। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, ये, और इसको लंबा कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, कभी कभी आपको यहाँ पे भी लोगो वगैरह दिखता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पूरी, और यहाँ पे पेंसिल के बटन पे जाना, यहाँ पे क्रॉप के बटन पे जाना, और अलग अलग ऐप में क्रॉप का ऑप्शन अलग अलग रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, जब आपका सीन कटेगा तब, यानी यहाँ पे लोगो होगा तब आपने वो करना है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, अभी आपका ये जो मैच है ये पूरा रेडी हो गया। यहाँ पे ब्रॉक वर्सेस रॉक वर्सेस ट्रिपल एच मैंने लिखा है, ठीक है। अभी बीच बीच में आपने आपके खुद के एड्स डालना है। ऐड कैसे डालोगे आप, आपको जाना है दोस्तों Amazon इंडिया पे, Amazon.in पे, और अकाउंट बना लेना है Amazon एसोसिएट का, ठीक है। अभी करोड़ों प्रोडक्ट्स आपके पास में आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है, अभी ये जो कि डील पे, यानी ये अच्छे अच्छे डील है, यहाँ से आपने आपके लिंक लेना है, और 7-8 सेकंड का, जैसे OnePlus की टीवी है दोस्तों, OnePlus की टीवी ये 40% ऑफ चल रही है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपको लेना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप ज़रूर बाय करिए। अच्छा, आपके फ्रंट कैमरे से अच्छा आपने शूट करना, नहीं तो रिकॉर्ड करना इसका वीडियो लेके, कि ये 40% ऑफ OnePlus की बेहतरीन 4K अल्ट्रा टीवी है। कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो 7-8 सेकंड का, और यही आपने 3-4 बार आपके वीडियो में डालना है ऐड, ठीक है। इस वीडियो में, यानी यहाँ तक हो गया, यहाँ पे मुझे ऐड डालनी है। तो यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, एक कट लगाया और वीडियो पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये ऐड है, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट की, आपके अमेज़ॉन की भी अर्निंग होगी, और ये तो हो रही है आपकी। तो ऐसे वीडियो दोस्तों आपने 50 डालना है, WWE से अगर सही मायने में पैसे कमाना है तो ऐसे वीडियो कितने डालोगे आप, 50 डालोंगे। हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है WWE के, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, एक दिन में एक वीडियो डालोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10-15 दिन में आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप दूसरे महीने से ही पैसे छापने लगोगे, ठीक है। तो यही सब जन करते हैं। अमेज़ॉन की लिंक आपको ज़रूर डालना है। अगर आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो, कभी कभी 1-1 घंटे की भी मैच रहती है, तो वो कट कुट करके आपको 25-30 मिनट तक लेके आना है, और एक आधी स्टार्टिंग में दो चार वीडियो वो लाइव कर देना है, जैसे ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग, ये जो फेमस मैचेस है फिर से देखते हैं लोग भाई, 30-30 मिलियन, और इंग्लिश में ही टाइटल लिखना। अभी टाइटल कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। ये होने के बाद में दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोड्यूस वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फुल HD में, ये आप 4K में भी कर सकते हो, आपका ये रेडी हो चुका है, ठीक है।
तो ये हो गया, मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। अभी आना है आपके, आपको पेज पे आना है दोस्तों। पेज पे आने के बाद में यहाँ पे आपके व्हाट्स ऑन योर माइंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो वीडियो है, तो ये वीडियो हमारा जो है यहाँ पे आ गया। अभी आपको क्या करना है, अच्छा टाइटल लिखना है, ठीक है। अभी टाइटल देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, रॉक टेक्स रिवेंज फ्रॉम ट्रिपल एच एंड ब्रॉक लेसनर। आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ध्यान में रखिएगा ये बात, इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे नेक्स्ट करके अपलोड कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें मैं मूवीज अपलोड करूंगा मेरे पेज पे, जैसे कि मैंने बताया था, इसलिए मैं पूरा अपलोड यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे ऊपर पब्लिक चाहिए, और ये ऐसे वीडियो आपको 50 डालना है। अगर आप 50 वीडियो 50 दिन में डाल देते हो, मेहनत करते हो, तो बैठ के खा सकते हो, बैठ के फेसबुक आपको रियल मायने में पैसे इनकम दे सकता है। तो इसीलिए आपको बोला कि इतना वर्क आपको ज़रूर करना है, ठीक है। आपके ये जो वीडियो की वॉइस ओरिजिनली रहेंगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत और सेफ खेलना चाहते हो, तो 5-6 सेकंड का फ्रंट में आपका वीडियो बना लेना है स्टार्टिंग में, कि दोस्तों रॉक वर्सेस ट्रिपल एच की धमाकेदार मैच है, चलिए देखते हैं। खत्म होने के बाद में देखिए दोस्तों, रॉक ने कैसे मैच जीता है और कैसे सबक सिखाया ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर को, आपने देख ही लिया। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिए मेरा पेज, यानी आपको बोलना है ऐसे जो भी पेज का आपका नाम रहेगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा बहुत इंथुजियास्टिक आपको होना होगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे, जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ड हूँ, यानी मैं बहुत शाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपको पैसे कमाना है तो आपको थोड़ा बोल बच्चन आना चाहिए, यानी आपको बातें करने का थोड़ा बहुत तो तरीका आना ही चाहिए, तभी आप लोगों के सामने खुद का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, रख सकोगे। अभी मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्टेज डेयरिंग है, टीचर हूँ, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों क्रिएटर्स हैं, वो इतने शाय थे, लेकिन यूट्यूब ने उनको एक बेहतरीन, जो क्या बोलते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट इंसान बना दिया है। वो लाखों की भीड़ों में बात कर सकते हैं, आप देख सकते हो, जैसे मनोज दे है, उनको कुछ भी नहीं आता था, अभी उनके जो कंसर्ट्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। जुन्नू की टेक है, जो कि इंटरव्यू सेशन मैंने लिया था, वो भी बहुत शाय इंसान थे, अभी मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। और बहुत से एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो कि यूट्यूब ने एक्सट्रोवर्ट तो बनाया, पैसा तो दिया ही है और कॉन्फिडेंस भी भर दिया है क्रिएटर्स के मन में। तो आपको, जैसे यूट्यूब की बात नहीं, सब फेसबुक की भी बात हो रही है, यानी ये सोशल मीडिया क्या करता है, हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जो कि अच्छा है, ठीक है। ये कोई आपको कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखाता, ये आपको आपके एक्सपीरियंस सिखाता है। तो ये आपने करना है, और आपके WWE के पेज को नाम WWE ही देना है जो है, और थोड़ा सा उसके सामने लिख देना है WWE रिवेंज, WWE क्लासिक, WWE स्टार, जो भी है, लेकिन वो आना चाहिए पेज में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मोनिटाइजेशन वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये आपने करना है, और ये पेज में सिर्फ और सिर्फ WWE ही डालोगे आप, यानी ये प्योर नीच बिजनेस है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं डाल सकते, मूवीज नहीं, क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं। WWE अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। यानी फेसबुक पे WWE डाला तो आपके वीडियो आनी चाहिए, अगर मिक्स डालोगे तो नहीं आएगा, ऐसा रूल है एल्गोरिदम का, किसी भी सोशल साइट से ले लो आप, ठीक है। अब मेरे वीडियो मनी से रिलेटेड है तो आप डालोगे तो मेरा नाम आ जाएगा कहीं ना कहीं, अगर मैं बीच में कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ फालतू, जो कि मैं कभी नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग मिक्स वीडियो डालते हैं तो उनको लॉस ही होता है। नीश बेस काम करिए, WWE के हज़ारों वीडियो है, आप बड़े वीडियो से छोटे छोटे वीडियो ले सकते हो, उसमें पार्ट बना सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको खुद इंथुजियास्टिक बनना होगा, दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर देना होगा कि भाई एक घंटे का वीडियो है, मैं इसको 3 पार्ट में डालूंगा, ट्रिपल एच, रॉक, गोल्डबर्ग, जो भी है, अंडरटेकर के वीडियोस है, इवन आप गर्ल्स की मैच भी डाल सकते हो यहाँ पे, लेडीज़ की मैच भी डाल सकते हो, वो भी बहुत लोग देखते हैं, वर्ल्ड वाइड कंटेंट है, वर्ल्ड वाइड, आपको कुछ नहीं करना, दिन का एक घंटा ही काम करना है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो देखने के बाद में काम अपना शुरू कर दीजिए, और आपके चैनल पे पेज पे जो भी वाहियात वीडियो आपने शेयर करके सब डिलीट कर दीजिए, और नए तरीके से काम स्टार्ट करिए, नहीं तो नया पेज लेके काम स्टार्ट करिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, जय हिंद।